इतना अच्छा आपका स्वागत हो रहा है कि पांच तत्व भी खुशी में आ गए और बाहर जोर से बारिश हो रही थी तो पांच तत्व भी आपका स्वागत कर रहे हैं। बनारसी भाई बोल रहे थे तब इतना मुझे लगा उमंग उत्साह उनमें आ रहा है, नीचे जाएंगे और आप लोगों को गले मिलेंगे। आपको भी लगा ना? अच्छा, तो जरूर बनारसी भाई को गले मिलना। अभी तो समय नहीं है लेकिन हम एक थोड़ा सा सैंपल है। डॉक्टर संजीव भाई खड़े हो जाओ, बनारसी भाई गले मिल के स्वागत करो। आप सभी रिप्रेजेंटेशन करो, आप ऐसा ही समझो कि आपको बनारसी भाई गले मिल रहे हैं। गुड, थैंक यू। द बेस्ट पर्सन हु कैन गिव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इज अवर प्रेसिडेंट। He is managing director of our various hospitals. He is a very famous head and neck oncologist. He is none other but Dr. Ashok Mehta. Dr. Ashok Mehta hame apne objectives batayenge, and he is also been conferred with the highest medical award, that is Dr. B.C. Roy Award. ओम शांति। मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड रेवरेंड दादी जानकी जी, मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड रेवरेंड दादी गुलजार जी, रिस्पेक्टेड ब्रदर निर्भय भाई जी, डॉक्टर राजीव भाई, उषा किरण बहन, डॉक्टर प्रताप भाई, गिरीश भाई, बनारसी भाई, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स सो इंटरेस्टिंग टू सी दैट हॉल इज फुल दिस इवनिंग डिस्पाइट द इंक्लेमेंट वेदर अक्रॉस द कंट्री। दिस इज अ यूनिक कॉन्फ्रेंस एंड अ यूनिक प्लेस। This is a unique conference in many ways. Hindi mein bolo. Acha. Mujhe kaha gaya mujhe Hindi mein bolna hai. Hindi mein shayad meri Hindi itni achhi nahi hai aur Bombay mein rehte hue shayad wo Hindi Bombaiya Hindi hai. लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं ये बहुत एक अलग प्रकार की कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो विषय हैं ये हम लोगों को कहीं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाए गए नहीं हैं। शायद यहाँ जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये आपका कॉन्शियसनेस को बदलने का है। जो हम चाहते हैं कि हम खाली शरीर के बारे में सोचें तो यहाँ शायद हमें हमारे आत्मा के बारे में सोचने का सिखाया जाएगा। और आत्मा का जो कंसेप्ट है यहाँ का वो बहुत सुंदर है कि हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारे संस्कार ये तीनों हमारे आत्मा की प्रक्रियाएं हैं। सूक्ष्म ऑर्गन्स कहना चाहें तो सूक्ष्म ऑर्गन्स हैं। तो सबसे अगत्य का है कि हमारा मन को हम कैसे सकारात्मक बनाएं, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी जो हमारा बीमारियां है, हमारी आज मॉडर्न बीमारियां हैं वो भी बदल रही है। पहले से मानते थे भारत में सबसे ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी होती है, मैटरनल और चिल्ड्रन मोर्टैलिटी बहुत हाई है, और भी जानते थे कि इन्फेक्शस डिसीजेज से सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं बीमारियों के।
अभी हमें ये भी पता चला है कि शायद इन्फेक्शियस बीमारियां हम कंट्रोल कर पाए हैं, हमारे पास बहुत पावरफुल दवाइयां हैं, टीबी के ऊपर भी हमने काफ़ी कंट्रोल पाया हुआ है, मैटरनल और चिल्ड्रन मोर्टैलिटी भी कुछ कम हो रही है, जैसे बीमारियां पहले की जो बीमारियां हैं शायद बहुत कम हो गई है, लेकिन अब जो बीमारियां बढ़ रही है ये सब स्ट्रेस रिलेटेड है कि तनाव से जुड़ी हुई ये बीमारियां हैं, हाई ब्लड प्रेशर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, डायबिटीज, कैंसर, मानसिक बीमारियां आदि अनेक बीमारियां ऐसी है कि जिसका रिलेशन हमारी लाइफस्टाइल से, हमारी जीवन पद्धति से है, हमारा तनाव युक्त जो जीवन है उसके जुड़ी हुई है। तो अब जो हमें करना है, हमें शायद हमारी जीवन पद्धति बदलनी है, ये कैसे बदली जाए, तो उसके पर आप काफ़ी चर्चाएं सुनेंगे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज कैसे कम किया जा सकता है डाइट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन से, हमें हमारा भोजन कैसा लेना होगा, हमें किस प्रकार की शरीर की व्यायाम करनी होगी और किस प्रकार से हमें हमारा मन शांत करने के लिए मेडिटेशन करना होगा। तो ये एक अलग ढांचा है सोचने का। तो ये खास हमारे ऑब्जेक्टिव्स है कि हम जो हमारा ध्यान हमारे शरीर के ऊपर है उसके बदले हमारा ध्यान हमारे आत्मा पर जाए, हमारे मन पर जाए, हमारी बुद्धि पर जाए, हमारे संस्कार को हम बदल पाए। तो ये सबसे अगत्य का है। और ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस जगह भी उसका जगह का भी बहुत अच्छा प्रभाव है। शांतिवन का परिसर बहुत सुंदर है, शायद 70 से ज़्यादा एकड़ के ऊपर ये परिसर बना हुआ है, 1500 लोगों को रहने की सुविधा है, यहाँ का जो भोजन बनता है वो सोलर एनर्जी से बनता है, 2 घंटों में लगभग 35,000 मील्स बनाने की क्षमता यहाँ है। आजकल ये किचन शायद रीमॉडल हो रहा है, नया बन रहा है, लेकिन ये इस जगह का बहुत अच्छा प्रभाव है। बाजू में आप देख रहे हैं डायमंड हॉल है, जहाँ करीब 20,000 से भी ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। और आप सोचेंगे कि इतने 20,000 लोग के लिए इतना बड़ा हॉल क्यों बनाया गया, लेकिन यदि आप हमारे परमात्मा अवतरण के प्रसंग पे यहाँ यदि उपस्थित हों तो आपको पता चलेगा कि हॉल भी अभी छोटा पड़ रहा है। आप बहुत खुशनसीब हैं कि हमारी दादी गुलजार जी यहाँ आपके बीच हैं, जिनको हम चैरिट ऑफ गॉड कहते हैं, परमात्मा का रथ है, जिनके शरीर में परमात्मा का अवतरण होता है और उनके द्वारा बोले हुए महावाक्य, परमात्मा द्वारा बोले हुए महावाक्य सुनने का एक अनोखा अवसर यहीं मिलता है। तो और मेडिकल विंग ये कॉन्फ्रेंसेस करती है करीब 25 साल से। एक कॉन्फ्रेंस की एक बहुत सुंदर प्रक्रिया मैं देख रहा हूँ कि यहाँ रजिस्ट्रेशन फी नहीं होती है। आजकल बम्बई में कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है तो 5,000 से 15,000 रुपया तक की फीस होती है। और मैं कभी कभी देखता हूँ कि ये हमारे शिवखेड़ा और ऐसे जो भाई बहन कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो इनकी कॉन्फ्रेंस की एक एक की कीमत करीब 50,000, 60,000, 75,000 तक होता है। इस समय के अंदर ऐसी कॉन्फ्रेंस करनी जहाँ रहना भी अच्छी तरह से होता मिलता है, जहाँ खाना भी भोजन भी दिया जाता है और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होता है, मुझे भी कभी कभी अजीब सा लगता है कि बाबा ने क्या हमारे लिए क्या रोल बनाया हुआ है। यदि आप 1500 या 2000 भाई बहन आए हैं तो आपकी संभाल करने के लिए भी शायद यहाँ 1000 से ज़्यादा भाई बहन आपकी संभाल रखने के लिए है, आपका भोजन की व्यवस्था करने के लिए है, और आप जो भी देख रहे हैं उसके अंदर सेवा का एक बड़ा सबसे बड़ा प्रतीक है। मैं समझता हूँ ये कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं ये तो सुनेंगे ही, डॉक्टर्स की और हमारी जो जीवन है उसके बारे में भी सुनेंगे, हम किस तरह से
यहाँ काम करें उसके बारे में भी आप देखेंगे और सुनेंगे, लेकिन सबसे अगत्य का ये है कि यहाँ सबके सहयोग से किस तरह से अच्छा काम होता है। तो कुछ भी काम करना है तो ऐसा सहयोग शायद आपको कहीं देखने मिले, ऐसा मैं समझता हूँ कि ये सबसे अच्छी जगह है। यहाँ आप माउंट आबू के ऊपर हमारे 4-5 परिसर हैं, खास करके तो एक पांडव वन है जहाँ ब्रह्मा बाबा रहे और पूरा कर्म जहाँ हुआ, ये सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, उनको मधुबन भी कहते हैं। और वहाँ भी एक ओम शांति भवन है जहाँ करीब 4000 लोग बैठते हैं, ऐसी सुविधाएं हैं। और फिर हमारा जो सबसे अच्छा परिसर वहाँ है उसको हम ज्ञान सरोवर कहते हैं, एकेडमी फॉर बेटर वर्ल्ड, वहाँ भी 1000 लोगों की रहने की सुविधा है, हॉल इससे बड़ा है, करीब 2000 से ज़्यादा लोग वहाँ बैठ सकते हैं। तो और फिर वहाँ पीस पार्क है और म्यूजियम है, आर्ट गैलरी है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये अनुभव जो ब्रह्मा कुमारीज का होगा, ये आपके जीवन की एक बहुत यादगार प्रसंग होगा। हमारी दादियों के बारे में जितना कहें इतना कम है, ऐसी व्यक्तियाँ दुनिया में शायद बहुत मिलने वाली नहीं है। दादी जानकी जी, उनकी उम्र है 95 साल और उनको दुनिया का सबसे स्टेबल माइंड माना जाता है। दादी जी एक बॉल ऑफ एनर्जी है, आज यहाँ है कल शायद यूके में हो सकती है, परसों अमेरिका में हो सकती है या जापान में हो सकती है। उनका ट्रैवलिंग इतना इस उम्र में भी जैसे उड़ती है। हमारी गुलजार दादी आप जब भी देखेंगे तो शांति की मूर्त है। शांति यदि आपको देखनी है तो दादी जी के चेहरे से दिखाई पड़ती है। और इतना महान व्यक्तित्व होते हुए, परमात्मा का रथ होते हुए, इनकी निर्दोषता एक बच्चे जैसी है, ऐसा आपको कहीं ऐसी व्यक्तियां दिखने नहीं मिलेगी। और आप बहुत खुशनसीब हैं कि यहाँ शिवानी बहन, शायद आपने बहुत लोगों ने देखी होगी टेलीविज़न के ऊपर, संस्कार आस्था चैनल के ऊपर और चैनलों के ऊपर, वो भी कल यहाँ पहुँचेगी। शी इज़ अ सिंबल ऑफ यूथ, वो आपके साथ शायद काफ़ी 2 या 3 लेक्चर्स देने वाली हैं, कुछ आपके साथ वार्तालाप भी करेंगी। तो मैं समझता हूँ ये कॉन्फ्रेंस आपके लिए एक बहुत यादगार बनेगी और आप सबका मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आशा रखता हूँ कि ये अनुभव लेके आप जब वापस आपके शहर में जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस में जाएंगे, तो ज़रूर आप कहेंगे कुछ मुझे यहाँ पाया, मैंने कुछ यहाँ पाया। तो ये जगह से आप एक कुछ नया संदेश लेके जाएंगे, जीवन के अंदर कुछ नया करने की इच्छा करेंगे। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई। अब हम उद्घाटन विधि को अच्छे से करना चाहते हैं, कहते वेल बिगन इज हाफ डन। तो विधि को हमें अच्छे से करनी है कि जो बीच में कैंडल्स लगे होंगे, कि वहाँ जो स्टेज पर हमारे गेस्ट है, दादी जी अन्य, वह सभी वहाँ पर कैंडल लाइटिंग करेंगे और 2 कैंडल्स भी रखे जाएंगे। मैं जिन डॉक्टर्स के नाम बोलूँगा कि वह भी स्टेज पर आएंगे और आप सबको रिप्रेजेंट करेंगे और वह भी कैंडल लाइटिंग करेंगे, और साथ साथ हम सभी भी खड़े होंगे उस समय, 2 मिनट शांति में रहेंगे, शांति के वाइब्रेशन देंगे। और जब दादी जी कहेगी ओम शांति, तब ही सभी जो वक्ताएं हैं वह साथ में कैंडल लाइटिंग करेंगे।
ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, विश्व शांति की ज्योति जगाओ। शांति। साइलेंस में इनॉग्रेशन की प्रेरणा लेते हुए अब हम दादी जानकी जी से, कि जो हमारे चीफ है, उनसे विशेष ब्लेसिंग्स प्राप्त करेंगे। दादी जी की जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ऐसे वह जवान होते जाते हैं। लंदन में आप जाएंगे तो एक हार्मनी हाउस है और साथ में एक कुछ वर्ष पहले डायमंड हाउस बना है। जब डायमंड हाउस का इनॉग्रेशन हो रहा था तब जयंती बहन ने कहा कि जब से हार्मनी हाउस हुआ है दो चीजें हुई, एक तो वहां पर विशेष बाबा शॉप बनी गई है, तो क्या बाबा शॉप बनी और दादी यंग हो गई। हम सब जरूर, दादी 100 साल की तो होगी ही, परंतु शी माइट बिकम द ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन इन दिस वर्ल्ड। शी हैज वंडरफुल मेमोरी, है ना। हम लोग भूल जाते हैं कि भी 2 मास पहले कोई हमको मिला था। दादी को अभी भी याद है कि मुझे पहली बार कब मिली थी। दादी ने मुझे याद दिलाया था, डॉक्टर आपको यहाँ पर मैं पहली बार मिली थी। हाँ, आप लोगों को भी दादी याद करेंगी। एक गीत बजेगा, तन हो शांत मन हो शांत, और उसके बाद दादी आपको प्रेरणाएं देगी। बाद में मैं दादी बताएगी। हाँ, सांझ सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, जरा नजर उठा के तो देखो जानकी दादी जीवन जीने की कला सिखाती है। ओम शांति। सभी बोलो ओम शांति।
मैं तीन बारी कहलवाएंगी बड़े प्यार से कहना ओम शांति ओम शांति अच्छा एक ओम शांति कहती है तू शांत रहो तू आत्मा शांत रूप हो दूसरी कहती है परमात्मा का बच्चा हो शक्ति आ जाती है तीसरा ओम शांति हर्षित रहो बस और क्या बताऊं शांत रहे तो परमात्मा खुश हो गया शक्ति दे दी शक्ति आई तो क्या है मुस्कुराते रहो कोई बात मुश्किल नहीं मैंने पेशेंट होकर के भी डॉक्टर जानता है अशोक मेहता भी जानता है सब डॉक्टर जानते हैं निर्भय भाई भी जानता है कितनी मैं बीमारी शब्द नहीं कहेंगी पास किया है परंतु पेशेंट्स की संभाल करने के लिए भी बहुत भाग्य मिला है इतनी आपने बीमारों की संभाल नहीं की होंगी जितनी हमने हम कहते मुझे भाग्य मिला है उसमें एक दवाई है अच्छी तरह से बहुत अच्छी है पेशेंस पीस एंड लव क्या समझते हो कोई ऐसा डॉक्टर है जो दवाई देता हो कोई है ग्रीश को तभी याद कराती हूँ पहला पहला जब बेड पर था इसे मिलने गई थी तब से लेकर अभी क्या बन गया है क्या सीखा है पेशेंस पीस एंड लव बस कॉन्फ्रेंस में बहुत बातें करनी नहीं है जहाँ धीरज है वहाँ शांति है जहाँ शांति है वहाँ प्रेम है तीनों में कमाल है सारी लाइफ मेरी एज सभी अभी 95 कह रहे पर 94 है 5 नहीं है एक साल बढ़ा रहे सभी मैं कहती हूँ 94 है 95 होने वाली है जनवरी मास में जनवरी फर्स्ट जनवरी को परंतु अभी उसमें पहले मेरे को खुशी है तो कोई कहते हैं 94 की हो या 49 की हो बोलो कितने की हूँ 49 की हूँ या 94 की हूँ किसकी कमाल है एक बाप की दूसरा भाग्य की तीसरा ईश्वरी परिवार की ये ईश्वरी परिवार जो है ना सब तन के लिए तन तो ठीक हो ही सकता है कोई बड़ी बात नहीं है डॉक्टर सर्जन सब अपना काम भले करे पर हम पेशेंट और पीस से काम ले लेवें तो डॉक्टर को भी फायदा हो जाएगा डॉक्टर्स को बहुत पे टेंशन रहता है बेचारों को मैं जब हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को देखती हूँ ना बड़ा टेंशन होता है उनको तो मैं कहेंगी मैं आई हूँ आपको टेंशन फ्री करने के लिए समझा मेरी बात अभी आज ऊपर में पंजाब से आए थे जो अभी मैं पंजाब के टूर पर गई थी हिमालय उत्तर प्रदेश में तो इतना अच्छे लोग मिले बहुत प्यार से मिले वहाँ टॉपिक ही रहते टेंशन फ्री बड़े बड़े होटल में प्रोग्राम रखा था टेंशन फ्री दादी हमारी बताती है तो ए डाल दो अटेंशन टेंशन फ्री समझा ए रखेंगे ना अटेंशन टेंशन नहीं होता बिल्कुल सिंपल से सिंपल इतनी सहज दवाई है जो ज़रूरी नहीं है कि हमको दवाई कड़वी है या कैसी है पर सिंपल बड़ी मीठी है दवाई सिंपल है उसमें एक बताया पेशेंस बहुत अच्छा लगता है सारी लाइफ में शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया ये सीखी हूँ बच्ची धीरज रखना जी बाबा धीरज धर्मनवा तेरे सुख के दिन आएंगे जरा भी धीरज की कमी
बड़ा नुकसान करती है. तन मन धन संबंध, तन का मन से धन से संबंध से कनेक्शन है. तन बीमार होता ही है धन के कारण संबंध के कारण. ऐसे होता है ना, मेरा भाई बीमार रहा है ना, बीमार क्यों हुआ, धन में कुछ हुआ, गड़बड़ घोटाला हो गया, कहाँ से धोखा मिला, किसी ने कुछ किया, संबंध में कुछ हो गया. संबंध बीमारी के कारण ये है. इसलिए भाई सारे साथ का गीत पहले बजाओ, अभी बजाओ, वो गीत सुनो पहले. जहाँ मेरा तन होगा वहाँ मेरा मन होगा, जहाँ मेरा मन होगा वहाँ मेरा धन होगा. समझा भाई, गीत बजाओ अभी, टाइम है साढ़े सात का, अच्छी तरह सुनो. शिव की याद रहेगी तब आंखों में समाया वो होगा. हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा. यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा. जहाँ होता है मानव का धन वही होता है उसका मन. इसलिए परमात्मा ने बताया मुझसे लगा लो अपना मन. हम सा नहीं कोई बीच में शांत में रहने के और गीत सुनने का चांस मिला. परमात्मा बाप कहते हैं अभी गीत बाद में नहीं बजाएंगे, अभी मन बाप कहते हैं मेरे में लगा दो. बस अगर मन उसमें लग गया ना तो तन बड़ा अच्छा हो जाता है. ये आप दो तीन दिन
करके देखना। अनुभव से मैं कहती हूँ, मन शांत है ना तो बुद्धि बड़ा अच्छा काम करती है। जो किसी मैं गिरीश भाई ने बताया या हमारे विनाशी भाई ने बताया, आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है, ये शरीर के आगन से है, ये भी ठीक काम करते हैं। जब भी हमारा मन शांत है, बुद्धि शुद्ध है, संकल्प में शुद्धि है, अहम भाव नहीं है, मैं अभिमान मेरा का अटैचमेंट दोनों से फ्री है। समझ गए मेरी बात को? मैं ऐसे बोलना, मैं ऐसे नहीं, संभल के मैं बोलना। यहाँ से हर घड़ी हर सेकंड हम मैं बोलेंगे, दादी जब हम मिलते हैं कैसे मिलते हैं, ऐसे नहीं मैं ना, नहीं नहीं नहीं, निमित्त दादी करके कहते हैं प्यारा से। वैसे हम कौन है? एक परमात्मा बाप के बच्चे, आपस में बहन और भाई है। इतने खुश है, इतने खुश है, खुशी पूछनी हो तो किसे पूछो, मेरे से पूछो। इतनी खुशी है, मुझे बोलेंगे मैं डांस करके दिखाएंगे अभी खुशी, क्यों न खुश होने की बात ही नहीं है ना। करे लाइफ में कभी किसी को दादी से पूछो, हमारे निर्भय भाई से पूछो, कभी बोला है मैं आज खुश नहीं हूँ? कभी पूछा है दादी क्या हुआ है? मैं पूछे खुश हो, ठीक हो? खुश रहना नसीब वाले का काम है। तुम खुश नसीब है, हम खुश नसीब हैं जो आज यहाँ आप बैठे हैं। हमको आज इतनी खुशी है, क्यों खुशी है, क्यों आज आए हो? खुशी का खजाना लूटने के लिए। कहते खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता जैसा मर्ज नहीं। खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता जैसा मर्ज नहीं। तो सदा के लिए बीमार को ख़त्म करना हो तो खुशी खुराक भी है तो खजाना भी है। तो मुझे कहा था अब थोड़ा बोलना, आज ज़्यादा नहीं बोलना, कल मेरे को टाइम मिलेगा बोलने के लिए। तो आज ज़्यादा नहीं बोलना है, पर इतना ही बोलना है। तो खुश रहो, खुशी बांटो, न दुख दो, न किसको दुख दो, न दुख लो। मेरे ब्रह्मा बाबा ने मुझे कहा एक बारी, मैं ऐसे बैठी थी शांत में, कहा बच्ची क्या कर रही हो? तो मैं अंदर देखती थी मैं कितना भगवान को याद करती हूँ, कभी कोई बात याद आती तो नहीं है, असुननी आती है, न पराई बात न पुरानी बात है, भूल हो जाएंगी, भगवान कान पकड़ेगा, मैं सुनाता क्या हूँ, तुम करती क्या है? तो मैं शांत में बैठी थी तो बाबा समझ गया क्या क्या रही है बच्ची। तो सभा में आया, आप ऊपर पांडवन देखेंगे, तो बाबा ने सभा में कहा किसको दुख तो नहीं देती हो? आज उसको कितना साल हो गया, 45 ईयर्स हो गया, दुख तो नहीं देती हो? तो ठीक है, दुख दिया तो ठीक नहीं है, रिकॉर्ड खराब हो जाएगा तुम्हारा। न दुख देना न दुख लेना, भले कोई परीक्षा लेने के कोई निंदा करेगा, कोई लेना नहीं है उसके लिए। फॉरगिव और फॉरगेट, एक सेकंड की बात है। फॉरगिव फॉरगेट, फॉरगिव नहीं किया फॉरगेट नहीं कर सकेंगे, तो लाइफ नहीं है। अच्छा बोला, परमात्मा ने जीवन अच्छी जीने की कला सिखाई है, जी चाहता है अब सब भी ऐसा जीना सीख लो। तो मैं कहेंगी अच्छा जीना सीखना हो तो आज की कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस नहीं है। अच्छा जीना सीखने के लिए, एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहने के लिए यहाँ पाए हो, इसलिए
कहता है आशीर्वचन बोलो, तो मैं आशीर्वचन भी भगवान से मांगती नहीं हूँ, न मांगती हूँ। कहता आशीर्वाद मांगती क्यों हो, सच्ची बनो, आज के संसार कैसा है, मजबूत बनो, अचल बनो, अडोल बनो, तो क्या होगा, अपने आप गुप्त। भगवान पहले माँ बाप है तो प्यार देता है, फिर अच्छा अटेंशन रखते हैं तो दुआएं देता है, अटेंशन है, टेंशन में नहीं चले जाते हैं, क्या होगा कैसे, और ना चिंता ताकि कीजिए, जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा, अच्छा होगा, मेरी भावना अच्छी है ना, अच्छा होगा। इसी आधार से भगवान ने जीना सिखाया है, सदैं हाथ ऐसे होगा, कोई हाथ ऐसे हमारे नमस्ते करते हैं ना, पर मैं ऐसे करती हूँ, अभी दोनों हाथ ऐसे करूँ, ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा होता है जब भारत से बाहर होते हैं, भारतवासी थे, मैं इंजन नहीं हूँ, मैं मुझे कोई इंजन नहीं कहता है, मैं भारतवासी हूँ, नशा है भारतवासी हूँ, देख करके पैसे करते हैं, तो मैं क्या करती हूँ दादी, आप तो ऐसे है, हम ऐसे करेंगे, भगवान कहते हाँ भारतवासी कहते ऐसे करो, पर ईस्ट एंड वेस्ट मिलकर के सब क्या करेंगे, जो भगवान कराता है करेंगे। अभी लास्ट में बताती हूँ मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मुझे क्या करने का है, मुझे करे कर्मों की गति गुह्य है, अच्छे कर्म करेंगे तो बची मेरा तरस, तुम मैं तुम्हारा साथी हूँ, जरा भी गलत काम करेंगी वो मेरे को अगर साथी न बनेगा मैं कहाँ भटकेंगी, मुझे भटकना नहीं है, कोई बात में लटकना नहीं है, मुझे माफ़ी मांगने के लिए भगवान से बैठ के पाप करके माफ़ी मांगूं ये दिन मुझे नहीं चाहिए। सुना ना जैन धर्म का होता है माफ़ी मांगने का मंथ होते हैं ना शायद, अब मैगजीन में आया था, तो अभी माफ़ी तो मैंने भगवान से कभी माफ़ी मांगने का भी ऐसा कर्म न करूं जो माफ़ी मांगनी पड़े ना, माफ़ी मांग पर, इसलिए ऐसे कर्म करो जो भगवान अंदर ही अंदर है, दुआएं इतनी देता है, इतनी देता है, जो दुआएं हमको चला रही है, मैं कहती हूँ बाबा अच्छा चला रहे हो, चल रही हो तो चला रहा हूँ, चल रही हो तो चला रहा हूँ, तो ऐसे चलना है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, सच्चाई प्रेम खुशी और शक्ति, बस मन शांत है, संकल्प शुद्ध है, वृत्ति सबकी कल्याण भावना वाली है, दृष्टि माँ सुखकारी है, तो भगवान कहते अपनी वृत्ति दृष्टि जो तेरे को देखे, जैसे मैं भगवान को देखूं भगवान खुश हो जाए मेरे से, मैं भगवान को देख खुश हो जाऊं, ऐसे आप भाग्यवान हो जो आप यहाँ बैठे, खुशी क्या चीज़ है अनुभव कर लो, ऐसा अनुभव करो जो कुछ भी हो जाए खुशी नहीं जा सकती, इतनी सच्ची खुशी लेने के लिए आप यहाँ आए हो, खजाना खुशी का ले लो, सदा सुख शांति में संपन्न बन जाओ, ये है शुभ भावना, शुभकामना। उसके लिए बहनों को ये भी दिखाना दिखा दे रहा, प्योर फीलिंग गुड विशेस, प्योर फीलिंग हिंदी में ये निकला था शुभ भावना शुभकामना, तो मैंने पढ़ा, मैंने इंग्लिश भी समझा, इंग्लिश में अच्छा होगा तो इंग्लिश में ये बुक इतना अच्छा है, अंदर फीलिंग प्योर हो, किसके प्रति कोई भी बात में हमारी फीलिंग में द्वेष भावना है, तन भी बीमार हो जाएगा,
मन भी हो जाएगा, संबंध में भी हो जाएगा, ये एक दिन नहीं चाहिए। तन मन धन संबंध में इतनी मित्रता भाव, कल्याण भाव, सच्चाई प्रेम का, जैसे इतनी वर्षा वर्ती रहे, सब ठंडे शीतल शांत हो करके भगवान के घर में बैठे हो, भाग्य बनाने आए हो। ओके, ओम शांति। ओके, हाँ ओके, ओ के किंगडम लगाई बिंदी, राजा ही हमारे हाथों में, क्या समझाए। ओके, थैंक यू। दादी जी ने और एक प्रश्न पूछा जिसका आप सबने अच्छे से जवाब नहीं दिया, क्या प्रश्न था पता है? हाँ, सदैव खुश रहेंगे, अभी बोलने, हाँ जो अभी अच्छे से, हाँ इससे मैंने सिखाया ना, दादी को बताओ कैसे बोलना है, हाथ ऐसे करो, पहले ही बताया है ना, हाँ जवाब देना अच्छे से, हाँ सदैव खुश रहेंगे, अच्छा लगाना, वेरी गुड। देखो के देखो, हाँ देखो बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल दादी, सुना आपने दादी की, सब डॉक्टरों की दुकान बंद हो जाएगी। अच्छा, दवाई की दुकान बंद हो जाएगी, अच्छी बात है, दवाई की दुकान, डॉक्टर की भी हो तो कोई बात नहीं। हम और एक सर्जन यहाँ आए थे, हाँ उन्होंने कहा कि भी स्वर्ग आ जाएगा तो वहाँ कोई सर्जन नहीं रहेगा, तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं सब्जी काटूंगा, एक ही बात है। ओके, अब हम हृदय मोहिनी दादी जी से भी ब्लेसिंग्स लेंगे, हमारा बहुत बड़ा भाग्य है, दोनों दादियाँ रेयरली होती है, और साथ मैं तो समझता हूँ फर्स्ट टाइम है कि दोनों दादियाँ और निर्वेर भाई भी हमारे बीच में है। हृदय मोहिनी दादी जो सारा यहाँ आप मेडिकल डेवलपमेंट देखते हैं, भल हम अलग अलग बातें बताते हैं, परंतु मैं समझता हूँ कि उनका बीच दादी जी है। दादी जी का कैंसर का ऑपरेशन होना था, डॉक्टर अशोक मेहता को उनका ऑपरेशन करना था, उसकी एक दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक मेहता खुद बताते हैं कि दादी ने एक भी प्रश्न नहीं पूछा ऑपरेशन से पहले, कहते पेशेंट तो 100 प्रश्न पूछते हैं, दादी ने यही कहा कि यू आर अ बेस्ट डॉक्टर, आप अच्छे से मेरा ऑपरेशन करेंगे। दूसरा, ऑपरेशन करने के बाद भी कहते हैं कि पेशेंट कहते बहुत दर्द हो रहा है, इंजेक्शन दे दो, कुछ दवाई दे दो, दादी ने कभी नहीं बोला कि दर्द हो रहा है। उल्टा जब डॉक्टर अशोक मेहता जाते थे देखने के लिए तो कहते थे डॉक्टर साहब आप कैसे हो, है ना, पहला पेशेंट था जो डॉक्टर को पूछता था कि डॉक्टर आप कैसे हो। तो प्रोबेबली शी इज अ मोस्ट टॉलरेंट वूमन, और दादी के कारण ही अशोक मेहता को प्रेरणा आई, वो संस्था के करीब आए, माउंट आबू में आए और हॉस्पिटल्स हुई, आज बहुत सारी हॉस्पिटल्स है। दादी को ही हम ज्यादा टाइम देना चाहेंगे। ओम शांति। अभी ओम शांति तो याद रहेगा ना, जब भी कोई अशांति की बात आवे ना तो आप ओम शांति सोचना। ओम शांति बोलेंगे सोचेंगे तो अशांति जो है ना वो गुम हो जाएगी। जैसे अंधेरा होता है ना तो हम लाइट जलाते हैं तो क्या होता है, अंधकार चला जाता है ना। तो ओम शांति अर्थ से कहेंगे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम का अर्थ, शांति का अर्थ ये है, याद आएगा ना मैं आत्मा हूँ ही शांत स्वरूप, क्योंकि परमात्मा के बच्चे है ना। आत्मा को जन्म देने वाला कोई लौकिक पिता नहीं है, शरीर को जन्म देने वाला लौकिक पिता है,
लेकिन आत्मा अविनाशी है, उसका पिता जो है वो परमात्मा है। तो जब हम अपने को आत्मा समझते हैं ना, तो आत्मा का पिता जन्म जन्म में परमात्मा है। जैसे लौकिक पिता होता है शरीर का, तो एक जन्म का होता है, लेकिन परमात्मा आत्मा का पिता सदा ही है। तो कौन याद रहना चाहिए वास्तव में, जो सदा का पिता है आत्मा का, वही याद रहना चाहिए ना। लेकिन गलती क्या हुआ है कि हमने मेरे को मैं समझ लिया, मेरा है शरीर, मेरा है, लेकिन उसको मैं मनुष्य हूँ ना, किससे भी पूछो ना आप कौन हो, कहेंगे बहन जी पूछते क्यों हो, मैं मानव हूँ ना, देख रहे हो ना, मैं मानव हूँ। लेकिन मानव किसको कहा, शरीर को ना। आप सोचो कभी गलती से आपने ये कहा है कि आज मैं सिर दर्द हूँ, गलती से कहा है मेरा सिर दर्द है, मैं कभी भी नहीं कहेंगे। सारे शरीर के लिए आप देखो तो मेरा कहेंगे, मैं नहीं कहेंगे। लेकिन वैसे पूछो आप कौन है, तो कहेंगे मानव, मानव शरीर ना। तो ये गलती है ना, जो मेरा है उसको मैं मानना कितना गलत है। और यही गलती जो है वो हमें दुख और अशांति का अनुभव कराती। तो यहाँ आप आए हो, हमको तो आप सबको देख के बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं आप सबके मस्तक के बीच आपका भाग्य देख रही हूँ। बहुत अच्छा आपका भाग्य है। क्या भाग्य है, सृष्टि की हालत तो आप देख रहे हो, दिन प्रतिदिन कहाँ जा रही है। ऐसे समय पर जबकि सृष्टि की हालत तो दुख और अशांति में जा रही है, लेकिन ऐसे समय पर हमको यहाँ निमंत्रण मिला आपको, और आप आ गए, और परमात्मा को जानने का मार्ग आपको मिल रहा है। मेडिटेशन माना मन जो है वो परमात्मा में लगाना, मन को लगाना है, क्योंकि वास्तव में आप देखो मुख्य तो मन है ना। मन ही दुखी होता है, मन ही खुश होता है, तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। तो मेडिटेशन मन की दवाई, शरीर की दवाई तो आप होशियार हो, हम नहीं जानते, लेकिन मन की दवाई जो है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन का अर्थ है मन परमात्मा में लगाना। तो मन परमात्मा में लगाने से क्या होता है, परमात्मा के पास क्या है, सर्वशक्तियां है, सुख है, शांति है, प्रेम है, सर्वगुण है। तो हमारा मन अगर परमात्मा में लग जाएगा तो हमारे में क्या आएगा, जो परमात्मा में है वही हमको मिलेगा ना। तो मेडिटेशन से क्या होता है, जब मन परमात्मा में लग जाता है तो हमारा मन शांत हो जाता है, हमारा मन खुश रहता है। दादी ने कहा ना, खुशी कभी नहीं गमाओ, क्योंकि एक खुशी नहीं जाती, हेल्थ वेल्थ हैप्पी तीन चीज़ें हैं, तो एक खुशी नहीं जाती, लेकिन हेल्थ वेल्थ सब चली जाती। क्यों,
कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई धन नहीं। आप 36 प्रकार के भोजन खाओ, आपके सामने रखा है, और खुशी नहीं हो तो वो 36 प्रकार के भोजन आपके लिए 36 प्रकार के लगेंगे, कुछ नहीं लगेंगे। और सूखी रोटी है लेकिन मन आपका बहुत खुश है तो वो सूखी रोटी आपको 36 प्रकार के भोजन का फायदा देंगे। इसीलिए मेडिटेशन जरूर सीख के जाना। जो भी यहाँ आए हैं, हम आपका यही भाग्य देख रहे हैं कि टाइम के पहले आप यहाँ पहुँच गए हो, और जितना पुरुषार्थ करने चाहो उतना कर सकते हो। फिर तो टाइम अभी देखो कैसे आ रहा है, दुख शांति तो बढ़ी रही है, भ्रष्टाचार का बोल तो है ही वाला, तो दुख और अशांति नहीं होगी तो क्या होगा। इसीलिए यहाँ आप आए हो, भाग्य तो है आपका, लेकिन इस भाग्य को छोड़ के नहीं जाना। बस देख करके, आ करके, घूम करके, देख के ये चले जाओ, ऐसा नहीं करना। भाग्य बहुत बड़ा आपके लक में है, परमात्मा के घर में आए हो, परमात्मा से जो चाहे वो वरदान ले सकते हो। क्योंकि हमें अनुभव है, बचपन में हम आए थे, अभी तो हमारा 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो जब से हम बचपन में आए तब से हमको शिव बाबा ने एक ही बात पक्की कराई, बच्चे आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा। और शरीर तो मेरा है, मैंने पहले भी सुनाया, कभी भी गलती से मैं शरीर नहीं कहते हैं, मेरा है तो मैं अलग है ना, मैं कहती हूँ ये मेरी गिलास है, तो मैं गिलास अगर कहूँ तो रंग है ना, मेरे का मैं मालिक हूँ। तो शरीर के लिए मेरा हम कहते हैं तो मैं कौन, ये तो भूल गए हैं ना, मैं आत्मा हूँ कहते हैं। जब शरीर छोड़ते हैं ना तो कहते हैं लाइट इज गॉन, तो वो लाइट क्या है, आत्मा है। जो आत्मा इस बिरकुटी के बीच में रहती, तो यहाँ आए हो तो आप ये अपना भाग्य जरूर ले जाना। मेडिटेशन करके मन के मालिक बन जाओ। आज मन परेशान करता है, है क्या मन, मेरा कहते है ना, मेरा मन, मैं मन तो नहीं कहते है ना, मेरा मन है तो मैं उसका मालिक हूँ ना, मैं कहती हूँ ये मेरा गिलास है तो मैं इसकी मालिक हूँ ना। ऐसे ही मेरा मन कहते हैं तो मन का मालिक मैं हूँ, वो कौन, आत्मा। तो अभी हम पूछेंगे आप कौन हो तो क्या कहेंगे, हाँ आत्मा, पक्का बोलो आप कौन हो, आत्मा हो पक्का, हाथ उठाओ पक्का किया, हाँ फिर नहीं कहना मैं तो मानव हूँ ना बहन जी, देख रही हो ना, नहीं मैं आत्मा हूँ, ये पाठ पक्का करके जाओ। आत्मा समझने से परमात्मा की याद आएंगी, क्योंकि परमात्मा का बच्चा आत्मा है, शरीर नहीं है। तो परमात्मा को हम याद करने चाहते हैं लेकिन परमात्मा याद आता नहीं है। कई भाई बहन कहते हैं बहुत कोशिश करते हैं परमात्मा को याद करने की, आता ही नहीं है ना, आवे कैसे, शरीर है ही नहीं परमात्मा का। तो आप कहेंगे हे पिता परमात्मा है ही नहीं पिता शरीर का, याद कैसे आवे। जब आत्मा समझेंगे आत्मा का पिता परमात्मा है तो परमात्मा की याद आएगी। इसीलिए एक तो ये पाठ पक्का करके जाना कि मैं आत्मा हूँ,
और परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, मन मेरा है, मन की मैं मालिक हूँ। आज कहते हैं चाहते तो है, अच्छा करना चाहिए, अच्छे स्थान पर जाना चाहिए, लेकिन मन नहीं मानता है ना। अरे मन के गुलाम, मेरा मन है और मन के हम गुलाम हो गए। मन के मालिक बनो, मेरे को कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर चाहिए मन को कंट्रोल करने की, वो आपको मिलेंगी मेडिटेशंस। क्योंकि ये जो शक्तियां हैं वो स्वयं परमात्मा के किसके पास नहीं, इसीलिए मन परमात्मा में लगाने से आपको सब प्राप्ति हो जाएंगे। तो हमको ये आपका लिए आ रहा है, आपके भाग्य को ये देख रही हूँ कि आप निमंत्रण पर पहुँच गए हो ना, यही बड़ा भाग्य है। लेकिन इस भाग्य को आप आगे बढ़ाते रहना, कनेक्शन में रखते रहना अपने को, तो कनेक्शन से रिलेशन आपका पक्का हो जाएगा परमात्मा से। रोज़ परमात्मा की बातें हो जाएंगी ना, तो आपका रिलेशन परमात्मा से ऐसा पक्का हो जाएगा, दिल कहेगी मेरा बाबा है। तो इसी रीति से आप आए हो, हमको बहुत खुशी है। चाहे डॉक्टरी के रीति से आए, चाहे किसी भी रीति से आए, आ तो गए हो ना। बहुत 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 खुश रहो कि हम पहुंच तो गए हैं। तो हम भी खुश हैं, आप भी खुश हैं, और इस खुशी को कभी गंवाना नहीं। खुशी गई तो सब कुछ गया, समझो, हेल्थ वेल्थ हैप्पी सब गई। इसलिए खुशी को कभी नहीं गंवाना, खुश रहना हमारे बाबा का स्लोगन है। खुश रहो और खुशी बांटो, क्योंकि खुशी ऐसी चीज़ है जो बांटने से कम नहीं होगी। और चीज़ जो भी बांटेंगे ना तो कम हो जाएंगी, लेकिन खुशी ऐसी चीज़ है जो आपकी बढ़ेंगी। तो खुश रहो और खुशी बांटो। ओम शांति। थैंक यू दादी जी। अब निर्वेर भाई जी, जो ब्रह्मा कुमारिस के सेक्रेटरी जनरल है, जो भी हमारी हॉस्पिटल्स है उसकी आप मैनेजिंग ट्रस्टी भी है, आपने ब्रह्मा कुमारिस को यूनाइटेड नेशंस में भी रिप्रेजेंट किया है, और मैं तो यह कहूँगा कि मेडिकल विंग में हम सभी डॉक्टर्स मिल करके छोटी छोटी सेवाएं कर रहे थे, लेकिन जब भाई साहब को ये प्रेरणा मिली हॉस्पिटल खोलने की, तो मेडिकल विंग की सेवाओं में चार चांद लग गए। एंड एक छोटी सी बात कहनी है, ही इज अ बेस्ट बॉस। अगर आपको देखना हो कि बॉस कैसा हो, तो उनके अंडर में काम करना चाहिए। जमी सलाम करे, आसमा सलाम करे, निर्वेर भाई की सेवाओं को देखकर तो अल्लाह भी सलाम करे। ओम शांति। परम प्रिय परमपिता परमात्मा की प्रिय संतानों, प्रिय बहनों और भाइयों, विशेष रूप से हमारी परमादरणीय दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी, हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय भ्राता डॉक्टर संजीव टाक जी, और हमारे क्या कहें, हम सब को रिसीव करने के निमित्त डॉक्टर अशोक मेहता, डॉक्टर प्रताप मिड्डा, डॉक्टर बनारसी भाई, डॉक्टर गिरीश भाई, और डॉक्टर उषा किरण, तथा सभा में उपस्थित आप सभी
विशेष आमंत्रित भारत तथा नेपाल से आए सभी मेडिकल साइंटिस्ट, मैं भी अपनी तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पूर्व वक्ताओं से आप सब ने बहुत बहुत प्रेरणाएं ली, आपने जो अभी सुना दोनों दादियों की तरफ से, डॉक्टर अशोक भाई से, डॉक्टर बनारसी भाई से, गिरीश भाई से, मैं सोच रहा था इतनी छोटी सी बात है फिर भी याद क्यों नहीं रहती है। थोड़ा टाइम ही बीतेगा आप देखना, उस स्मृति में नहीं रहेगा कि मैं आत्मा हूं। क्यों? जब से होश आया, देह का नाम और रूप वही स्मृति में बार बार आता है, उसके साथ में एक और शब्द जुड़ गया, डॉक्टर, डॉक्टर अशोक मेहता, डॉक्टर गिरीश पटेल। वो कितना भी आत्म स्वरूप में स्थित होना चाहें वो हो ही नहीं पाएंगे। दादी इसका क्या इलाज है आप पूछ लो, पूछ लो आप, मैं ऐसे ही झूठ नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा जो सच्ची बात है। अभ्यास करने से ही स्मृति रहेगी और अभ्यास के लिए ही खास ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और देखा गया है कि अगर जैसे वो कोई मंत्र जाप करते हैं 4 दिन 5 दिन तो उसकी रिजल्ट मिलती है, इसी तरह से ये 5 दिन का आपका जो विशेष अभ्यास रहेगा उसके फलस्वरूप धीरे धीरे नेचुरल लगने लगेगा। और जितना जितना स्मृति रहेगी उतना चेहरे पर मुस्कान बहुत रहेगी, आपके पेशेंट्स आपके पास आते ही खुश हो जाएंगे, आधी बीमारी आपको देखने से ही उनकी ठीक हो जाएगी, बाकी आधी के लिए आपको थोड़ा उनको दवाई देनी पड़ेगी। तो आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, और बाकी मेरा कल क्लास है, मैं आपसे क्लास में मिलूँगा। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच निर्भर भाई जी। अब डॉक्टर संजीव ताक, जिसे आपने सुना भी, आप CMO है। संजीव भाई दादी का राइट हैंड पकड़ो, जानकी दादी का राइट हैंड पकड़ो, हाँ नहीं नहीं आप संजीव भाई पकड़ रहे हैं, हाँ दादी का, देखो आपने राइट हैंड पकड़ा है, अभी दादी का राइट हैंड बनना पड़ेगा आपको, बनेंगे, ओके थैंक यू। हाँ संजीव भाई ग्रीटिंग्स देंगे प्लीज। ओम शांति। साथियों, मैं समझता हूं आप सबके लिए बहुत परम सौभाग्य का दिन है। मैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर सिरोही जिले में कार्यरत हूं और पिछले 3 सालों से परोक्ष अपरोक्ष रूप से ईश्वरीय विश्वविद्यालय और यहाँ के चिकित्सा संस्थान के साथ जुड़ा रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैसे तो बुक्स में, हिस्ट्री में और
हमने जाना है कि जो अच्छे कर्म करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं वो नरक में जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि साक्षात स्वर्ग में आप लोग यहां आए हैं। ऐसा प्रतीत होगा आपको हर पल अगले 5 दिनों तक लगातार। मैं बहुत ज़्यादा कोई बात आपसे मुखातिब नहीं होना चाहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस एक एक पल को आप संजोएं, इस एक एक पल को आप ग्रहण करें। और मैं समझता हूँ कि जब 5 दिन बिताने के बाद आप यहाँ से जाएंगे तो एक विशिष्ट आत्मा बनकर यहाँ से जाएंगे। आत्मा तो सभी हैं, लेकिन विशिष्ट आत्मा का दर्जा पाकर आप यहाँ से निकलेंगे। आपके कार्य में आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार आप महसूस करेंगे। मैं खुद हतप्रभ रहता हूँ, इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा विश्वविद्यालय, इतना बड़ा परिवार, जहाँ हजारों हजारों की संख्या में रोजाना लोग आते हैं, रोजाना हजारों घंटे मेडिटेशन होता है, इतना बढ़िया मैनेजमेंट हर चीज का, मैं समझता हूँ कि कल्पना से बाहर जो मैनेजमेंट होता है, ये सिर्फ इसी एहसास से जो दादी जानकी जी ने बताया, जो दादी हृदय मोहिनी जी ने बताया कि खुशी खुशी खुश रहो और खुशी बांटो। इतना तन मन धन से समर्पित भाव से यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने आप में रम जाता है। यहाँ आप सिर्फ मेडिटेशन तो खैर करना ही है आपको, लेकिन 5 दिन यहाँ के मैनेजमेंट सिस्टम को भी आप देखेंगे तो आपको वो ईश्वरीय झलक आपको प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मिलेगी जिस डिवोशन से वो यहाँ पर एक दूसरे से अटैच रहा है। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा संदेश आपके साथ जुड़कर पुनः वापस आपके साथ में जाएगा। तो मैं पुनः एक बार आप सभी को यहाँ आने पर, साक्षात स्वर्ग में आने के लिए आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। आप वो चुनिंदा लोग हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं और साक्षात इसकी अनुभूति अगले 5 दिनों तक करने वाले हैं। मैं साथ ही साथ डॉक्टर मिड्डा साहब का और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ कॉल किया, इस मौके पर आप सबसे मुझे मुखातिब होने का मौका दिया, और अपने विभाग की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद। एक्सेलेंट डॉक्टर संजीव टाक। अब कुमारी श्रद्धा, जिन्होंने आपका वेलकम डांस किया था, वो आपको एक छोटी सी प्रेरणा भी देना चाहती है। ध्यान से सुनना, श्रद्धा आपको क्या बताना चाहती है। ओम शांति। रिस्पेक्टेड बोथ दादी जीज एंड डिग्निटरीज प्रेजेंट ऑन द स्टेज and all doctors present in the hall, I heartily welcome you to this Universal Spiritual Hospital. You might be thinking, how does it feel like inviting somebody to a hospital? Weird, isn't it? But it is true, that is a strange university come hospital where souls suffering from endless diseases are successfully treated with one and only life-giving medicine, Rajyoga, which is devoid of any side effects. Wonderful, isn't it? You will practically see, feel and experience the benefits of Rajyoga in 3 days of your stay. Through the study and practice of Rajyoga, you will certainly realize that it's indeed a very useful tool for your personal as well as professional life. You will be glad to know that Almighty God Himself has given the title of Master God to all you doctors. That's because like Him, you too help people in overcoming the pain and misery, although for a short period. Rajyoga is very easy to practice, as there is no need of hard body postures. So, patients can practice them
at their ease along with their medication. Rajyoga is an exercise of mind and intellect, providing vitamins of peace and silence and helps patients to recover early. This year we are celebrating the Platinum Jubilee year of God's incarnation. God has ascended it into this old corrupted world of pure world of for the divine task of changing its pure world into the peace and happiness since past 75 years, which is shortly going to be accomplished. So we all little sisters humbly request you to practice Rajyoga meditation yourself for at least 10 minutes daily and recommend the same to your patients. Will you? I hope so. Thank you. Om Shanti. And I am also thanking medical wing and especially Dr. Banarasi Bhai, who have given me chance to welcome all of you in this conference. Thank you. आप भी चाहेंगे ना कि आपके बच्चे भी श्रद्धा जैसे हो? Yes or no? थोड़े ही लोग बोल रहे हैं. तो आपको सेंटर पर जाना होगा. सभी क्या कहते हैं पता है? हमारी बहनों को कहते हैं कि हमारे बच्चों को ले जाओ, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है. लेकिन आप आएंगे तो ही बच्चे भी उसको ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करेंगे. श्रद्धा के माता पिता भी सेंटर पे जाते हैं, उसी के कारण उसमें भी ये संस्कार बने. नाउ इट्स टाइम फॉर चेयरपर्सन्स कॉमेंट. अवर वाइस प्रेसिडेंट एज वेल एज डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, अवर ट्रस्टी डॉक्टर प्रताप भाई, who is a wonderful administrator as well, will give chairperson's comment. Om Shanti. Param Adraniye Dadi Janki Ji, Dadi Hirde Mohini, आदरणीय डॉक्टर अशोक मेहता, डॉक्टर संजीव टांक, निर्भय भाई, डॉक्टर बनारसी भाई, गिरीश भाई, पहले तो मैं आभार प्रकट करूंगा. हालांकि मुझे बहुत एम्बेरेसिंग लग रहा है कि चेयरपर्सन के लिए तो मैं समझता हूं दादी जी ही उपयुक्त थे, लेकिन मुझे कहा गया तो अभी मैं क्या कहूं. मैं तो ये कहूंगा कि जब भी हमें कुछ बात मिलती है उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य समाया होता है. तो मैं ये कहूँगा जब हमें डॉक्टर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि हम दुनिया से दुख दर्द मिटाने के लिए निमित हैं, तो हमारे ऊपर भी एक ऐसी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि हमारे में वो विशेषताएँ होनी चाहिए. तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में परमात्मा ने हमें जो आगे बढ़ाया वो यही कह के आगे बढ़ाया कि आप वास्तव में महान आत्माएं हो, आप वास्तव में विशेष हो. तो शायद यही कारण रहा होगा कि हम में विशेषताएं भरने के लिए. जब डॉक्टर्स को हम भगवान कहते हैं तो आप सोचिए हमारी जिम्मेवारी कितनी बढ़ जाती है. हम भगवान से लोग कितना एक्सपेक्ट करते हैं. तो अब हमारी जिम्मेवारी ये बनती है कि हम लोगों को भगवान के समीप पहुंचाएं, भगवान के नज़दीक लेकर आएं, क्योंकि भगवान का कार्य ही होता है कि सबका भाग्य बनाना. और हम ये समझते हैं ये कार्य जो हमने शुरू किया है आप सभी के सहयोग के बिना संपूर्ण नहीं हो सकता. ये कार्य देखने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन ये कार्य बहुत महान है. जैसे हमने सुना भी डॉक्टर मेहता ने कहा ये कॉन्शियसनेस को परिवर्तन करने की बात है. हम जो भी कार्य करते हैं, परिवार में रहते हैं या अपना प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते हैं, वो तो वैसे ही चलेगी लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस में शिफ्ट आएगा. दादियों ने भी हमें बार बार ये बात कही कि शरीर सामने देखने में आता है. हम गीता में भी भगवान से सुनते हैं शरीर
हमारा वस्त्र है, आत्मा अविनाशी है, लेकिन इस कॉन्शियसनेस में रहकर कर्म करना, इस कॉन्शियसनेस में रहकर अपनी प्रैक्टिस करना, अपने परिवार की संभाल करना, अपने संबंधों को निभाना, इसी में विशेषता है। यदि हम चाहते हैं हमारे जीवन में परिवर्तन आए तो पहले इस मूल रूप परिवर्तन को लाना होगा। हम ये 26वीं कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं माइंड बॉडी मेडिसिन की, और हमारा अभिप्राय यही है, जैसे हम सुनते भी हैं कि मन जीते जगत जीत, कि मन को जिसने कंकर कर लिया वो पूरे विश्व को जीत सकता है। तो डॉक्टर्स के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि हम अपने मन को शांत रख सकेंगे, अगर हम अपने मन को शक्तिशाली बनाएंगे तो शायद केवल हमारे दो शब्द कहना ही पेशेंट के लिए बहुत होंगे। आज अगर नशे से मुक्ति की बात है या वेजिटेरियनिज्म की बात है या जीवन पद्धति को चेंज करने की बात है, लाइफस्टाइल को चेंज करने की बात है, तो जितना हम एम्पावर्ड हैं, हम इसको परिवर्तन लाने की अगर हम निमित्त बने तो विश्व में पूरा परिवर्तन आ सकता है। तो हम एक विशेष आत्माएं हैं और उन विशेष आत्माओं को परमात्मा ने विशेष कार्य दिया है विश्व में लोगों के जीवन को परिवर्तन करना, लाइफस्टाइल को परिवर्तन करना। और हम ये समझते हैं कि आज बीमारियों का प्रिंसिपल कॉज ही ये है कि हमारी जीवन पद्धति बिगड़ गई है, हमारा खान पान बिगड़ गया, और उससे पहले तो हमारे सोचने का तरीका ही बदल गया, हर चीज़ में हम देह भान में आ गए। तो इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य, इस कॉन्फ्रेंस की सफलता, दादियों का जो हमारे में विश्वास, वो उसी में है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को परिवर्तन करें, अपने मन के परिवर्तन से हम सबको स्वस्थ रहने का मैसेज भी दें, लेकिन अपने आप को भी एम्पावर्ड महसूस करें, क्योंकि हमें, हम अच्छे रहेंगे, हम अच्छे बनेंगे, हमारे कर्मों में प्रसन्नता आएगी, तो हम विश्व तक ये मैसेज पहुँचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। थैंक यू प्रताप भाई। अब दादी जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि डॉक्टर संजीव टाक को शॉल ओढ़ा करके उनका सम्मान करेंगे। हाँ, दादी जी शॉल के द्वारा। Mm-hmm.